बसंत पंचमी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का दिन। बसंत पंचमी का महत्व माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है, यानी कि माँ सरस्वती की आराधना करने से बसंत पंचमी का महत्व सभी को मिलता है। इस दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में प्रयागराज में स्नान करने से अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। गंगा यमुना में तो सभी स्नान करते हैं, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती का जब मिलन होता है तो संगम बनता है, और उस संगम में बसंत पंचमी के दिन अगर स्नान दान पुण्य किया जाता है तो जितने कण अदृश्य सरस्वती के उस व्यक्ति के शरीर को छूते हैं उतने ही गुना फल उसको मिलता है, और साथ ही उतने ही वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष प्रभाव देखा गया है। तो आइए आज जानते हैं कि प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या है बसंत पंचमी का महत्व और कौन सा दान करें जिससे उनको इस दिन की शुभता प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को बसंत पंचमी के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। लाल रंग की कोई भी दाल ले सकते हैं, उसका दान करें। साथ ही राशि रत्न मूंगा धारण करें। कुंडली दिखाकर धारण करना चाहे तो भाग्य रत्न अथवा राशि रत्न मूंगा आज के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन अवश्य धारण करें। अब बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है वृष राशि। वृष राशि वाले बसंत पंचमी के दिन सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दही, इन सब चीजों का अगर दान करेंगे बसंत पंचमी के दिन तो माँ सरस्वती की उपासना का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही राशि रत्न हीरा भी वृष राशि वाले धारण कर सकते हैं। बात करेंगे तीसरी राशि की, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को हरी चीजों का दान करना है। पालक, हरी मूंग की दाल, कोई भी आप हरी वस्तु ले सकते हैं, उसे आज के दिन दान करें, बसंत पंचमी के दिन दान करें तो शुभता अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ ही राशि रत्न उन्हें धारण करना है। मिथुन राशि वालों को पन्ना अगर धारण करेंगे तो उनकी बुद्धि में वृद्धि होगी। वैसे भी ज्ञान की देवी सरस्वती आज के दिन खुश जरूर होती हैं। अब बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले बसंत पंचमी के दिन सफ़ेद तिल का दान करें या किसी भी सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं जिससे चंद्रमा की आराधना का फल उन्हें प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन मोती में अर्धचंद्रमा जड़वा कर धारण करें कर्क राशि वाले तो उन्हें माँ सरस्वती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली राशि, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, साथ ही माणिक धारण करें। माणिक धारण अगर वो करेंगे तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और दान में उन्हें लाल चीज़ों का दान करना है, जैसे कि सेब दान कर सकते हैं, गेहूं भी दान सिंह राशि वाले अवश्य करें। बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बसंत पंचमी के दिन एक विशेष उपाय। आज के दिन कन्या राशि वाले जो कष्ट में हैं, अगर तोतों को खरीद कर उन्हें उड़ाएंगे तो जो तोते हैं वो उन्हें आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे कि उन्हें उड़ाया गया, उन्हें आज़ाद किया गया। इसी तरह आप भी अपने कष्टों से इस दिन आज़ाद हो सकते हैं। साथ ही कन्या राशि वाले पन्ना धारण करें और हरी चीज़ों का दान अवश्य करें। बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वाले चीनी, चावल, कपूर, इन सब चीज़ों का दान करेंगे आज के दिन बसंत पंचमी के दिन तो उन्हें शुभता अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ ही तुला राशि वाले हीरा धारण करें, राशि रत्न उनका हीरा है, धारण अवश्य करें तो शुभता उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगी। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन लाल वस्तुओं का दान करना है, साथ ही मूंगा धारण करना है। हनुमान जी की उपासना भी आज माँ सरस्वती के साथ कीजिएगा ताकि राशि स्वामी की भी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो सके। बात करते हैं अगली राशि, जो कि है धनु राशि। आज गुरु का आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, गुरु से दीक्षा लीजिए, या अगर आपका कोई गुरु ना हो तो एक गुरु अवश्य बनाइए। साथ ही माँ सरस्वती की आराधना करिए और पीली वस्तुओं का आज आपको दान करना है। साथ ही राशि रत्न पुखराज आज के दिन धारण आप कर सकते हैं। बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों को आज भगवान शनि की उपासना करनी है, साथ ही माँ सरस्वती की उपासना करते हुए काली वस्तुओं का दान करना है, जैसे कि काला तिल, कोयला, इन सब चीज़ों का अगर दान करेंगे तो माँ सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। और आज के दिन आप नीलम धारण करें, नीलम या उसका उपरत्न नीली भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिल सके। बात करेंगे अब कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों को आज के दिन की शुभता के लिए काली वस्तुओं का दान करना है। कोई भी काली वस्तु आप दान कर सकते हैं, तिल के लड्डू आज आप दान कर सकते हैं। माँ सरस्वती की आराधना और कृपा प्राप्ति के लिए आज के दिन नीलम अवश्य धारण करें। अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जो कि है मीन राशि। आज मीन राशि वाले किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी धार्मिक पुस्तक को आप दान कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक अगर आप दान करेंगे तो उससे भगवान बृहस्पति की कृपा तो प्राप्त होगी, साथ ही माँ सरस्वती आपको ज्ञान से परिपूर्ण कर देगी। आज के दिन राशि रत्न पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं।